Hey friends, this is Tripti Singhal from Career Classes. In this video series, we start question 8 from exercise 10.2 circles. Okay, this is very interesting question and the proof of this question is used as a result for solving the other questions also. So, a quadrilateral ABCD is drawn. As you can see in figure, ABCD is drawn to circumscribe a circle and prove that AB plus CD is equals to AD plus BC. That means two opposite sides, the sum of the two opposite sides of the quadrilateral are equal to the sum of the other two sides of the quadrilateral. Okay, so in this case, the word circumscribe, people got confused from this word circumscribe. Agar inscribe hota, that means a quadrilateral ABCD is drawn, inscribe a circle, that means क्वाड्रिलेटरल जो है वो सर्कल के इंस्क्राइब अंदर होता, लेकिन सर्कमस्क्राइब है, दैट मीन्स अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, यानी कि सर्कल को वो अंदर है, सर्कल उसके अंदर है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. सो यू हैव गिवन दिस फिगर, द क्वाड्रिलेटरल एंड द सर्कमस्क्राइब अ सर्कल विद द फोर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी क्यू आर एंड एस. ओके, जब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, तो क्या आप पॉइंट ए से इसको आप बता सकते हैं कि ये क्या है? फ्रॉम पॉइंट ए एंड दिस आर द ए पी एंड ए एस आर नथिंग बट द येस, दिस आर द टेंजेंट्स. ओके, दिस आर द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, दिस आर द टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट ए, ए पी एंड ए एस. सेम वे वी कैन से दैट फ्रॉम द पॉइंट बी द एक्सटर्नल टेंजेंट्स ड्रॉन टू द सर्कल. अगर हम सिर्फ इतनी फिगर को देखें, ठीक है, बाकी सब आप पॉइंट्स ना देखें और सिर्फ इतनी फिगर को आप देखें, तो यू कैन सी दैट फ्रॉम द पॉइंट बी द एक्सटर्नल फ्रॉम द पॉइंट बी द एक्सटर्नल पॉइंट द टेंजेंट्स ड्रॉन टू द सर्कल्स आर बी क्यू दिस एंड बी पी. ओके, सेम फ्रॉम द पॉइंट सी सी आर एंड सी क्यू द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट and D from the point D, the DR and DS. Okay, so first we mention the what we have given that. So given that this is the circle, a quadrilateral, first of all a quadrilateral ABCD circumscribe a circle. Okay, this is what we have given, and to prove we need to prove this, the sum of the opposite sides of the quadrilateral is equals to the sum of the other two sides of this quadrilateral, AD plus BC. Okay, now let's start the proof. Okay, a quadrilateral ABCD here, a circumscribe a circle. Okay, so we know that जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया, from the point A, from the point B and from the point C and D, the points of a quadrilateral एक टेंजेंट्स बन रहे हैं फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स. तो हमारे पास एक थियोरम था दैट द डेंथ लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स, यानी कि अगर पॉइंट ए की मैं बात करूँ तो ए पी एंड एस ए एस. ओके, सो द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल. ओके, सो हम यहाँ मैंशन कर देते हैं. सो एज वी नो दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स drawn from external point to the circle are equal. Okay, are equal. That means अगर मैं point A की बात कर रहे हैं हम लोग, तो क्या आ जाएगा? AP is equals to AS. AP is equals to AS. Okay. अब point B की बात करें तो क्या आ जाएगा? BP is equals to BQ. ओके, बी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू. पॉइंट सी की बात करें तो इट्स अ सी क्यू इज इक्वल्स टू सी आर, सी क्यू इज इक्वल्स टू सी आर. ओके, वन पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस क्वेश्चन. अगर हम कोई भी ऑर्डर में लिखेंगे यहाँ पे, जैसे कि मैंने ए पी इज इक्वल्स टू ए एस लिखा, करेक्ट है, बी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू लिखा, वो करेक्ट है. क्यों ऐसा? क्योंकि देखिए, वी नीड टू प्रूव ए बी प्लस सी डी, यानी कि ए बी की जो दो साइड्स हैं, ए बी कब बनेगा? जब ये दोनों का सम होगा, दैट मीन्स ए पी प्लस बी बी होगा. ओके, तो यहाँ पे मैं एल एच एस का सम करूंगी नेक्स्ट उसमें स्टेप में, और या जो आर एच एस आएंगे उसके स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में सम करने वाले हैं.
तो अगर मैं एपी और बीपी का सम कर रही हूँ तो एबी साइड आ जाएगी, ठीक है, एपी और बीबी का सम कर रहे हैं। लेकिन अगर मुझे अब सीडी लाना है तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना था, सीआर और डी पॉइंट से लेंगे, दैट इज डीआर इज इक्वल्स टू डीएस, तो मैं डीएस नहीं लूंगी, क्या लेंगे हम, डीआर। तो अगर पॉइंट सी की बात कर रहे हैं, मुझे सीडी लाना है, दैट मीन्स सीआर इज इक्वल्स टू सीक्यू लाना है। देखिए अगर आप लोग लिखने में ऐसे मिस्टेक करेंगे तो आप लोग का एडिशन नहीं आएगा। सो वी नीड टू राइट, आप ऑर्डर देखते जाइए कि मुझे एबी लाना है तो मस्ट बी LHS मस्ट भी ये दो साइड्स आनी चाहिए, और CD लाना है तो ये वाली दोनों साइड यहाँ पे LHS पे आनी चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ दिस वी हैव टू राइट CR, फिगर देखते जाइए तब आपको पता चलता जाएगा, CR इज इक्वल्स टू CQ यहाँ पे आना चाहिए। अब CR आ गया, CD बनाने के लिए मुझे दूसरी साइड कौन सी चाहिए, DR। तो फ्रॉम द पॉइंट D हम जब लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स लिख रहे हैं तो मुझे क्या लिखना है, DR इज इक्वल्स टू DS, ना कि DS इज इक्वल्स टू DR, ओके। सो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, डी आर इज इक्वल्स टू डी एस, ओके। सो दिस आर ऑल द पॉइंट्स, इक्वेशन वन मैंशन इट एज इक्वेशन वन, इक्वेशन टू, इक्वेशन थ्री एंड इक्वेशन फोर। दिस ऑल आर द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पर्टिकुलर एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, जैसे कि पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी से और पॉइंट डी से। जस्ट मैंशन द ऑर्डर एंड प्लीज ऑर्डर में ध्यान रखना है कि हम कौन सा किस तरफ लिख रहे हैं, LHS की साइड की और RHS की साइड। नाउ एडिंग, नाउ एडिंग इक्वेशन वन टू थ्री एंड फोर both the sides, so what we have get is AP plus PB plus CR plus DR, and from RHS side is AS plus BQ plus CQ plus DS, ओके। तो अब हम देख लेते हैं, तो हमने जैसे कि यहाँ पे तो हमने देख के ही लिखा था कि AP और PB is nothing but the, क्या हम ब्रैकेट लगा सकते हैं, so we get not confused, सो ब्रैकेट में लिख देते हैं ए पी प्लस पी बी ब्रैकेट ओवर सी आर प्लस डी आर, ओके। तो ये दो साइड हो गई ए बी और सी डी, बट वॉट अबाउट दी आर एच एस, आर एच एस में हमें प्रूफ करना है ए डी प्लस बी सी। तो ए डी साइड के लिए कौन कौन सी साइड होनी चाहिए मेरे पास, ए एस एंड डी एस, तो उसको हम साथ में लिख देंगे, दैट इज ए एस एंड डी एस हियर ब्रैकेट डाल के, दैट इज ए एस प्लस डी एस ब्रैकेट ओवर प्लस की साइन, और अब लाना है बी सी, दैट मीन्स बी सी इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस क्यू सी। तो अब वो दोनों साइड को साथ में लिख देंगे, सो बी क्यू प्लस सी क्यू, ओके। नाउ फ्रॉम द फिगर वी कैन से दैट ए पी प्लस बी बी, दैट इज ए बी, सी आर प्लस डी आर, ओके, दैट इज सी डी, एंड ए एस प्लस डी एस, दैट इज ए डी, एंड बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी, ओके। देयरफॉर आवर जो हमें प्रूफ करना था वो हमारा प्रूफ हो गया है, हैंस प्रूफ्ड। सो इसमें जस्ट ये ही एक थ्योरम यूज़ करना है, थ्योरम 10.2 के द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, तो वो आपको करना है, और सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है ऑर्डर में, ताकि आप ऐसे अगर लिखोगे तो आपका सम जब करोगे तब कभी दो साइड का सम इक्वल नहीं आ पाएगा और LHS इक्वल्स टू RHS प्रूफ नहीं हो पाएगा। सो दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। थैंक यू।